आप तीन बार सतगुरुदेव की जय बोलिए, पहले बोलिए दो जागरूक दीक्षा से पहले ये नियम होता है कि बहुत जोरों से मेरे साथ आप हंसेंगे ऊंचाई पर, अगर मैं दीक्षा दे रहा हूं आप भी उस ऊंचाई पर खड़े होकर के अपने व्यक्तित्व को खड़े करें, ऐसा बिल्कुल अपनी मनोवृत्तियों को चित्तवृत्तियों को इतने नीचे लेवल पे खड़े नहीं करें जहां मुझे आपको देने में तकलीफ हो। आपकी चित्तवृत्ति अपने आप में उदार और उच्च कोटि की होनी चाहिए, एक ऐसी चित्तवृत्ति होनी चाहिए जहां आप अनुभव कर सकें कि हमारे जीवन के एक द्वार खुल रहे हैं। और मैंने कल के प्रवचन में कहा था कि कुंडलिनी जागरण का जो दीक्षा है वह दीक्षा एक देह से दूसरे देह में ट्रांसफर होने की क्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक शरीर से सीधे साथ में शरीर पहुंच जाए, ऐसा दीक्षा नहीं होती। दीक्षा तात्पर्य पहले आप दूसरे शरीर में पहुंचेंगे, फिर दीक्षा लेंगे तीसरे में पहुंचेंगे, फिर दीक्षा लेंगे चौथे शरीर में और सातवें शरीर में पहुंचेंगे। और मैं सोचता हूँ कि अगर 2000 दीक्षा लेकर के भी अगर हम सातवें शरीर में पहुंच जाए तब भी सस्ता है, तब भी अनुकूल है। एकदम से कोई गुरु आपको 2 महीने का खाना एक साथ नहीं खिला सकता, खिलाता है तो पागलपन है उसका, और इतना ओवरडोज भी नहीं दे सकता आपको कि आप संभाल ही नहीं सकें। मगर यदि देह से हम प्राण में चले जाएं एक शक्तिपात के माध्यम से, तब भी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। या समझ लेना चाहिए कि वो दिन हमारे जीवन का श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण दिवस है, जो इस जीवन के तुम्हारे पुण्य और पिछले जीवन के कुछ पुण्य संचित और एकत्र हुए होंगे कि तुम्हें ऐसे दिन में भागी लेने का सौभाग्य मिला और फिर मेरे हाथ से आप इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये तो आपके लिए और अधिक सौभाग्य की बात रही होगी, जरूर कुछ पुण्य किए होंगे। इसलिए आपका जीवन, आपका चिंतन, आपका धरातल, आपका एटमोस्फियर, मानसिक और अंदर आंतरिक सब कुछ आह्लादकारक होना चाहिए। पर यौवन है, झलक रहा है, इसलिए एकदम गणपति को सुमन करें। और इतनी ऊंच ताकत से आप ऊंचा उठाइए कि सबको स्पष्ट कर सकते, जैसे धीरेदार नहीं थोड़ा ऊंचे उठाइए, ऊंचे उठाइए आपको ये धीरे आप छह चौर ऊंचे उठाइए। ओम पूर्व धीरेदार आप नहीं उंगलियां मिली हुई हैं। ये दो स्वाणम से देख कल्याण काम मां प्राणो ये प्राणम जीव ये जीव समस्त ब्रह्मांड रूपेण अहम ब्रह्मांडम आवायामि सा प्राण मम शरीरे तस्मानम से चिंत्यामि कल्याणम देवोत्थानम देह पद्मोत्थानम देह पद्म पूर्वाधास्वानम शरीरो उत्थान रूपेण सा प्राण उत्थान रूपेण कृते ब्रह्मांड रूपेण प्राणो ये प्राण ये जीव ये देह आवायामि भविष्यन्ति सा समुखम प्राण उत्थान पूर्वाधास्वानम सद्विरोधम इति स्वाम शुद्धि अधास्वानम निरते पूरा पूर्वे पुरुषा पुरुषां उत्तर पश्चिम पश्चिमा था पुरुषां उत्तर उत्तर सा पुरुषां तस्मान उत्ते दक्षिण दक्षिणा था अंतर क्षोत्र से तमी विशाल अग्नि वायु निरत्य न त्रिपाली
मायानी सा पुरुषा प्रति परिभ्यो सा पृष्ठतो सा प्राण ही प्राण देवथान पूर्वा अदास्मनम इंद्रो वज्रम साधते वक्षस्थलम प्राप्यते सा विष्णु पूर्ति पूर्वा सा इंद्रम सा पूर्वा सा जीव ही प्राप्यते सा ऋषि पूर्वा ब्रह्मा सा नाभो स्थापिते नाभ्यो प्राप्यते सा दिवस इंद्रो सा बड़ा बलम प्राप्यते सा यमो ही सा वृद्धि रक्तो प्राप्यते सा दिव्य से मुख इंद्र इच्छा वासु सा शिरो प्राप्यते शिव स्थाप्यामि सूर्य चंद्रम स्थापयति मम प्राणे ये प्राण समस्त सा सूर्य सूर्य नेत्रो स्थापयामि नेत्रो प्राप्यते समस्त विविध देवताभ्यो मम शरीरे विविध नेत्रो तथा मासिकम तथा पुरुषा मुखे नासिका घ्राण दिव्या शक्ति देह रोम प्रतिरोम समस्त शरीरम समस्त देह समस्त चैतन्यम समस्त प्राण आविर्भवतु अवयमि तुभ्यम संपूर्ण देहे आदि मीन संबंध में ये कहा है कि आपका देह से जिन जिन की संबंध है वे संबंध आज से निश्चित हो रहे हैं क्योंकि आपके नाभि से संबंध आपकी माता का रहा है इसलिए मैं माता से विच्छेद कर रहा हूँ पिता से विच्छेद कर रहा हूँ और देह रूप उनका मेरा कोई संबंध नहीं है भावनात्मक तो संबंध रहेगा ठीक उसी प्रकार में प्राणों में जब खड़ा हो रहा हूँ तो प्राणों में मैं समस्त देवताओं से अग्नि इंद्र वायु नृत्य और जो भी पूर्व दिशा पश्चिम दिशा यम नृत्य इन सबसे विविध रक्त आंख नेत्र नासिका प्राप्त करके पूर्ण रूप में उस प्राणों में उत्थान क्रिया करता हूँ वो शक्ति पाठ के माध्यम से जिसके वजह से मेरे प्राणों में एक हलचल एक चेतना एक पूर्णता एक पवित्रता प्राप्त हो सके और मैं जीवन श्रेष्ठता प्राप्त कर सकूँ ये मैंने संस्कृत श्लोक में बोला है जिसे आपको ध्यान रखना आप इन्हीं करके आए मैं आपकी शक्ति पाठ करूंगा और आए और एक सेकेंड में आप ये कहें कि मैं मेरा नाम ये है Thank you.